हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 में जो वर्ड प्रॉब्लम है। ठीक है, ये देख सकते हैं जो वर्ड प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 ये है एक्सरसाइज 3.4 एनसीईआरटी का। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, और इसको हम लोग को सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करके। तो सारे क्वेश्चन को हम लोग वन बाय वन करेंगे सॉल्व। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इफ़ वी ऐड वन टू न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट वन फ्रॉम डिनोमिनेटर अ फ्रैक्शन रेड्यूसेस टू वन। ठीक है, तो क्या बोला, इसको पहले हम लोग इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो पहले फ्रैक्शन मान लेते हैं, लेट द फ्रैक्शन बी एक्स पे वाई। ठीक है, इसके बाद क्या बोला है हम लोग, तो इसमें न्यूमरेटर एक्स हो गया, डिनोमिनेटर वाई हो गया। तो न्यूमरेटर में हमको वन ऐड करने बोला है और डिनोमिनेटर में वन सब्ट्रैक्ट करने को, तो ये कितना रिड्यूस होके कितना बन जाएगा, वन बन जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करो, एक्स प्लस वन और ये इधर जाके क्या हो जाएगा, वाई माइनस वन। इसको सॉल्व करेंगे तो वाई इधर आएगा, एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू, तो ये इधर आके कितना हो जाएगा, माइनस टू। ठीक है, अब नेक्स्ट करेंगे इसके आगे क्या बोला है, इट बिकम्स वन बाई टू इफ़ वी ओनली एड वन टू डिनोमिनेटर। ठीक है, ये इक्वेशन वन हो गया। तो अब हमको न्यूमरेटर में कुछ नहीं करना है, केवल डिनोमिनेटर में वन ऐड करना है। तो ये कितना बन जाएगा, वन बाय टू। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे, टू एक्स इक्वल्स टू, टू एक्स इक्वल्स टू वाई प्लस वन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, टू एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू वन। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब इसको दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे। ऑन सॉल्विंग वन एंड टू, तो साथ में लिख लेते हैं, एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस टू एंड टू एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू वन। तो देखो हम लोग को एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, तो देखो वाई दोनों में सेम है, तो हम लोग वाई को ही एलिमिनेट कर लेते हैं, बस साइन इसमें हम लोग चेंज कर लेंगे और y एलिमिनेट हो जाएगा। तो कितना बचा, x माइनस टू एक्स माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री हो गया, माइनस माइनस कैंसिल, तो x इक्वल्स टू कितना हो गया, थ्री। अब इसको किस में, किसी भी इक्वेशन में पुट करो, वन या टू। नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ x x इन वन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, थ्री माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस टू, तो हो जाएगा माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस टू माइनस थ्री। ये कितना हो जाएगा, माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस फाइव। तो वाई कितना आ गया हमारा, वाई इक्वल्स टू फाइव आ गया। ठीक है, तो देखो एक्स भी आ गया वाई भी आ गया, देयरफॉर द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन ईच एक्स बाय वाई, तो एक्स कितना है, थ्री बाय फाइव। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो यह रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन, इसमें क्या बोला है, फाइव इयर्स अगो नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, उसके बाद है टेन इयर्स लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। ठीक है, तो यहाँ पर नूरी और सोनू का एज फाइंड करने बोला है, तो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या है, फाइव ईयर्स अगो, अगो जहाँ भी होगा मीन्स पाँच साल पहले। ठीक है, अगो मीन्स पहले और हेंस मीन्स या लेटर मीन्स बाद में। ठीक है, तो फाइव ईयर्स अगो ले लेते हैं, इससे पहले क्या करेंगे, एज मान ले लेते हैं एक्स और वाई, लेट द
एज ऑफ नूरी बी एक्स ईयर्स एंड द एज ऑफ सोनू बी वाई ईयर्स। ठीक है, इसके बाद 5 साल पहले बोला है तो 5 साल पहले के लिए इक्वेशन में लिखेंगे 5 ईयर्स अगो। ठीक है, तो 5 ईयर्स अगो क्या था? देखो 5 साल पहले, अभी अगर एक्स ईयर्स है तो 5 साल पहले 5 साल कम था तो एक्स माइनस फाइव हो जाएगा। किसका एज? ये एक्स किसका है? नूरी का है। ठीक है, तो क्या बोला? नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, और सोनू का एज भी तो 5 साल कम होगा, वाई माइनस फाइव। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है? इक्वल्स टू देके कौन किसका थ्राइस है, नूरी किसका थ्राइस है, सोनू का थ्राइस, तो सोनू में थ्राइस करेंगे, मीन्स 3 ट्वाइस होगा तो इंटू 2। अब इसको सॉल्व करो, एक्स माइनस फाइव इक्वल्स टू 3y माइनस 15। ठीक है, अब इक्वेशन बन गया x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 10, ये इक्वेशन 1। इसी तरह 10 ईयर्स लेटर बोला है तो 10 ईयर्स लेटर कितना हो जाएगा? 10 ईयर्स लेटर मीन्स 10 साल बाद। क्या अब 10 साल बाद, अभी अगर x ईयर्स है तो 10 साल बाद उसमें 10 साल जुड़ेगा। ठीक है, तो प्लस 10। इसी तरह सोनू के एज में भी 10 ऐड होगा। अब क्या बोला है, कौन किसका ट्वाइस है? नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, तो सोनू का ट्वाइस, और यहाँ इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करो, x प्लस 10 इक्वल्स टू 2y प्लस 20, तो कितना हो जाएगा? x माइनस 2y इक्वल्स टू 10, ये इक्वेशन 2। ठीक है, अब दोनों को सॉल्व करेंगे, ऑन सॉल्विंग 1 एंड 2, तो दोनों को लिख लेते हैं x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 10, और x माइनस 2y इक्वल्स टू 10। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो यहाँ पर x को एलिमिनेट करते हैं, माइनस प्लस माइनस एलिमिनेट हो गया, कितना हो गया? माइनस y इक्वल्स टू माइनस 20। ठीक है, अब देखो माइनस माइनस कैंसिल, तो y का वैल्यू आ गया 20। इसी तरह अब हम लोग y का वैल्यू को पुट करेंगे 1 या 2 में, ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन किसी भी इक्वेशन में पुट करो फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा? x माइनस 3 इंटू 20 इक्वल्स टू माइनस 10, ये हो जाएगा हमारा 60 इक्वल्स टू माइनस 10। ठीक है, तो 60 को इधर लेके आएंगे तो माइनस 10 प्लस 60, ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 50। तो लास्ट में क्या लिखना है? देयरफॉर द एज ऑफ नूरी एज कितना है? x, x का वैल्यू कितना है? 50 ईयर्स, एंड एज ऑफ सोनू एज y, y का वैल्यू कितना है? 20 ईयर्स। ठीक है, तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। तो चलो अगर सबको समझ में आ रहा है तो एक बार लाइक बटन को प्रेस कर लो। ठीक है, चलो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो ये है हमारा थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में क्या है? द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2-डिजिट नंबर इज 9, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, फाइंड द नंबर। तो एक 2-डिजिट नंबर है। ठीक है, 2-डिजिट नंबर मीन्स क्या हो गया? कोई सा भी नंबर, 12, 11, 10, ये सारा क्या है? 2-डिजिट, और 10 से नीचे 0, 1, 2,
नाइन, ये क्या है नाइन डिजिट, वन डिजिट नंबर, ठीक है, सारा वन डिजिट है, ये टू डिजिट, इसी तरह एक टू डिजिट नंबर है, ठीक है। टू डिजिट नंबर में क्या बोला है, दोनों डिजिट का सम, मीन्स सपोज अगर तुम्हारे पास मान लो 12 है तो दोनों डिजिट का सम क्या होगा, 1+2 होगा, ठीक है, इसी टाइप से बोला गया। तो चलो ये तो एग्जांपल के लिए बता दिए, अब हम लोग सपोज कर लेते हैं, लेट द यूनिट एंड टेंस प्लेस ऑफ अ टू डिजिट नंबर बी एक्स एंड वाई, ठीक है, यूनिट्स प्लेस एक्स हो गया और टेंस प्लेस वाई मान लिए, ठीक है। चलो अब क्या लिखेंगे, देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर इज, तो रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा हमारा, टेन वाई प्लस एक्स। तो देखो अब ये कैसे हुआ, अगर एक्स और वाई टू डिजिट नंबर है तो ये टू डिजिट नंबर कब बनेगा, जब मान लो 12 है, ठीक है, तो 12 टू डिजिट नंबर कब बनेगा, ये तो 2 हो गया, ठीक है, और ये 10 था होगा, तभी ना दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये 12 बनेगा। इसी तरह एक्स और वाई है, मीन्स एक्स अगर 10 का मल्टीपल होगा तभी ना ये बनेगा, जैसे एक्स प्लस वाई है, ठीक है, तो एक्स प्लस वाई में यहाँ पर 12 को लेंगे तो 1+2 होगा, तो ये तो 12 तो नहीं बनेगा, ये कब, इसको इंटू 10 होगा ये, तभी तो 12 बनेगा, 10+2, ठीक है। इसीलिए इसको जो लिखने का जो तरीका है वो इसी टाइप से होता है, ठीक है, 10y+x या 10x+y, या x क्या है यूनिट प्लेस और ये क्या है y टेंस प्लेस, जो टेंस प्लेस के साथ रहेगा उसमें 10 का मल्टीपल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा चलो ये तो हो गया रिक्वायर्ड नंबर, लेकिन आगे क्वेश्चन में क्या बोले, इसको रिवर्स भी करना है, तो यहीं पे रिवर्स भी कर लेते हैं, एंड द रिवर्स नंबर नंबर इज, रिवर्सिंग मतलब क्या हो गया, अगर 12 था तो इसको रिवर्स करेंगे दोनों का प्लेस को, तो वंस और टेंस प्लेस को, तो ये 21 हो जाएगा, ठीक है, मीन्स वंस प्लेस को टेंस प्लेस बना दिए और टेंस प्लेस को वंस प्लेस, ठीक है। तो इसी तरह अगर हम लोग इसको रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10x+y हो जाएगा, ठीक है। बस क्वेश्चन इतना ही सा था, अब जो आगे है वो तो ईजी है, ठीक। चलो अब आगे सॉल्व करते हैं, ये समझ गए, मीन्स पूरा क्वेश्चन समझ गया। आगे क्या बोला, द सम ऑफ डिजिट ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज 9, ठीक है, तो जो डिजिट है उसका नंबर, तो क्या है टू डिजिट नंबर एक्स और वाई है, यही डिजिट है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 9 हो गया, ये हमारा क्या है, इसका इक्वेशन बना। अब आगे इक्वेशन क्या बोला, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, तो नंबर कौन है, नंबर तो ये है हमारा, तो ये हो जाएगा 10y+x, इसका 9 टाइम्स इज इक्वल्स टू ट्वाइस द नंबर ऑब्टेंड, टू टाइम्स क्या, जब इसको रिवर्स करेंगे तो 10x+y। तब इसको सॉल्व करो, ये तो इक्वेशन वन हो गया, ये क्या होगा 90y+9x इक्वल्स टू 20x+2y, 20 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 70y, अच्छा x है ना, x को सॉल्व करेंगे पहले, सॉरी 9x और 20x, चलो इसी को इधर लेके जाते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 11x और माइनस हो जाएगा -11x, ये इधर आएगा तो +88y इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। चलो तो सॉल्व करते हैं इसको, ऑन सॉल्विंग 1 एंड 2, तो 1 एंड 2 को सॉल्व करेंगे, चलो इधर सॉल्व कर लेते हैं, क्या हो गया
एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 9 एंड माइनस 11 एक्स प्लस 88 वाई इक्वल्स टू 0। तो इसको 11 से इंटू करते हैं इसको 1 से, तो हो जाएगा 11 एक्स प्लस 11 वाई इक्वल्स टू 99, और ये हो गया माइनस 11 एक्स प्लस 88 वाई इक्वल्स टू 0, कैंसिल हो गया। ठीक है, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1। y का वैल्यू 1 आ गया, इसको पुट कर लो फर्स्ट इक्वेशन में, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन 1। ठीक है, 1 पे फर्स्ट पे पुट कर रहे हैं तो आ जाएगा x प्लस 1 इक्वल्स टू 9, तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू, ये इधर आएगा तो 8। ठीक है, तो एक 8 आ गया और एक 1 आ गया। इसको सॉल्व करेंगे कहाँ पे, तुमको रिक्वायर्ड नंबर फाइंड करना था ना, तो हमारा फाइंड नंबर क्या था, ये रिक्वायर्ड नंबर ये था, इस पर पुट कर दो, देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर इक्वल्स टू 10 इंटू वाई के प्लेस में क्या हो जाएगा 1, और ये है प्लस एक्स के प्लेस में 8, इस पर पुट करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 8 इक्वल्स टू 18। ठीक है, तो 18 हमारा आंसर आ गया। तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, मीना वेंट टू द बैंक टू विथड्रॉ रुपीज 2000। सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर रुपीज 50 एंड रुपीज 100 नोट्स ओनली। मीना गोट 25 नोट्स इन ऑल, फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ रुपीज 100 सी रिसीव्ड। क्या बोला है, मीना बैंक जाती है, ठीक है, 2000 रुपया निकालने, वहाँ पे वो कैशियर से 50 और 100 का नोट मांगती है। ठीक है, और जो टोटल नोट्स उसको मिलता है वो कितना है, 25। तो इससे हम लोग को इक्वेशन बना के सॉल्व करना है। ठीक है, तो वैसे इसको डायरेक्ट भी सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है, तो इसको दो इक्वेशन बना के ही सॉल्व करना है हमको। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ रुपीज 50 नोट बी एक्स एंड द नंबर ऑफ रुपीज 100 नोट बी वाई। ठीक है, तो देखो यहाँ पे दो इक्वेशन बनेगा। फर्स्ट क्या बना, सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव रुपीज 50, 50, तो ये हो गया 50x प्लस 100 नोट, तो ये हो जाएगा 100y इक्वल्स टू 2000। ठीक है, टोटल 2000 निकाला, 50 का नोट मांगा और 100 का, तो x नोट था तो 50 इंटू एक्स प्लस y, 100 का y नोट था तो 100 इंटू वाई, तो टोटल निकाला तो कितना हो गया, 2000। ठीक है, ये इक्वेशन 1 हो गया। इसी तरह इससे एक इक्वेशन बनेगा, टोटल नोट इसके पास कितना था, 25। अब x का x नोट है और y नोट है, तो टोटल नोट कितना हो गया, x प्लस वाई इक्वल्स टू 25। अब दोनों को सॉल्व कर लो, ये तो इजी था, ऑन सॉल्विंग 1 एंड 2। ठीक है, इसको सॉल्व करो, तो 50x प्लस 100y इक्वल्स टू 2000 एंड x प्लस y इक्वल्स टू 25। इसको अगर 50 से करते हैं इंटू और इसको 1 से, तो आ जाएगा हमारा 50x प्लस 100y इक्वल्स टू 2000, और ये हो जाएगा 50x प्लस 50y इक्वल्स टू 1150। माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 50y इक्वल्स टू 05, ये हो गया हमारा 71। ठीक है, अब y कितना आ जाएगा, y इक्वल्स टू 1750 बाय
फिफ्टी जीरो जीरो कैंसिल, 5 से कट जाएगा, 5 3 जा 15, एक मिनट, 7 हुआ है क्या? अच्छा यहाँ 7 होगा ना भाई, माइनस कर रहे हैं यहाँ पर, ये 0 हो गया 5, और ये कितना होगा 7, तो 7 50/50, 5 1 5 और 5 5 25, तो y इक्वल्स टू 15 आ गया। इसको पुट करो, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2 पे रख देते हैं, ठीक है, x प्लस 15 इक्वल्स टू 25, x इक्वल्स टू 25 माइनस 15, x इक्वल्स टू 10, तो x 10 आ गया, y 15, तो देर फोर नंबर ऑफ रुपीज 50 नॉट एज 10 एंड नंबर ऑफ रुपीज 100 नॉट एज 15, तो ये आंसर हमारा हो गया, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन हमारा बाकी रह गया, तो लास्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं क्या है। तो देखो ये रहा लास्ट क्वेश्चन, और ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ा अच्छा समझना, ठीक है। तो देखो इसमें क्या बोला है, एक लेंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज, मीन्स अगर तुम एक बुक लेते हो तो फर्स्ट 3 डेज के लिए तो एक फिक्स्ड चार्ज है, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं, लेट द फिक्स्ड चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज बी एक्स एंड द एडिशनल चार्ज पर डे बी वाई। देर आफ्टर, ठीक है, इसके बाद तीन दिन के बाद जो एडिशनल चार्ज लगेगा वो है ये, ठीक है, द एडिशनल चार्ज देर आफ्टर, या तो फिर डायरेक्ट आफ्टर 3 डेज, आफ्टर 3 डेज पर डे बी वाई, ठीक है। 3 दिन तक तो फिक्स चार्ज है, उसके बाद 3 दिन के बाद जब 4th दिन से पर डे वाई रुपीज लग रहा है, ठीक है, एक्स रुपीज एंड वाई रुपीज, इसको पहले रुपीज लिख लो, यहाँ भी क्या आ जाएगा रुपीज एक्स, और यह आ जाएगा रुपीज वाई, ठीक है। चलो आप सॉल्व करते हैं, तो देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगा, सरिता पे 27 फॉर ए बुक केप्ट फॉर 7 डेज, ठीक है, 7 डेज, तो एक्स एक्स रुपीज तो 3 दिन का लगा, अब 7 में 3 माइनस करोगे तो कितना बचा 4, ठीक है, तो जो एक्स्ट्रा लगेगा वो 4 दिन का लगेगा, तो 4y इक्वल्स टू 27, ठीक है। ये कैसे हुआ समझ में आया, एक्स रुपीज तो 3 दिन का फिक्स्ड है, ठीक है, अब 3 दिन हो गया तो 3 दिन के बाद कितना दिन बचा, टोटल 7 दिन के लिए लिया था तो 3 दिन तो इसमें चल गया, तो कितना बचा 4 दिन, ठीक है, तो 4 दिन का जो पर डे का कॉस्ट लगेगा, तो एक 1 डे का वाई है तो 4 डेज का 4y हो जाएगा, और टोटल कितना है 27, इक्वेशन 1, ठीक है। अब सेकंड इक्वेशन देखो, सुशी कितना 21 रुपीज पे करती है 5 डेज के लिए, तो 3 डेज का तो एक्स लग चुका है, ठीक है, तो टोटल है तुम्हारे पास 5 दिन, तो कितना बचा 2 डेज, तो 2 दिन बचा इक्वल्स टू 21। बस अब इसको सॉल्व करो, सॉल्विंग बस इक्वेशन फॉर्म करना मेन है, ठीक है, इधर तो तुम सॉल्व कर ही लोगे, तो एक साथ लिख लेते हैं, x प्लस 4y इक्वल्स टू 27, इसी तरह x प्लस 2y
इक्वल्स टू 21। ये कैंसिल हो गया तो ये कितना बचा, 2y इक्वल्स टू 6। तो y हमारा हो गया 6/2 इक्वल्स टू 3। पुट कर दो, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन किस पे रखना चाहोगे, सेकंड पे रख लो, सेकंड पे। तो क्या हो जाएगा, x प्लस 2 इंटू 3 21, x प्लस 6 इक्वल्स टू 21, x इक्वल्स टू 21 माइनस 6, x इक्वल्स जो तुम्हारा फिक्स्ड चार्ज है, फिक्स्ड चार्ज इक्वल्स टू रुपीस 15 और एडिशनल चार्ज इक्वल्स टू 3 रुपीस 3। ठीक है, तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो होप्स हो कि समझ में आया होगा सबको, तो प्रैक्टिस करो इसको जितना हो सके। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।